हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो रेल टेक। दोस्तों आज हम लोग आए हैं एक रेलवे स्टेशन पर केमिकल अर्थिंग करने के लिए। तो यहां पर ड्रिल से पहले ही 8 से 10 इंच का होल कर दिया गया है और ये लगभग 10 से 12 फीट गहरा है। और हम लोग गैल्वेनाइज्ड पाइप भी लेके आए हैं और इसमें एक क्लैंप लगा हुआ है, वेल्डिंग किया हुआ है, जिसमें कि अर्थिंग का वायर नट बोल्ट से हम लोग टाइट करेंगे। तो ये रहा पाइप, आप सभी देख सकते हो। और इस पाइप में थोड़ा थोड़ा होल भी किया हुआ है, थोड़े थोड़े ऊंचाई पर, जिससे कि इसमें से जो है पानी जाता रहेगा। अगर बरसात का पानी होता है और ऊपर में होल भी रहता है, जो पाइप के सबसे ऊपर का भाग होता है जो कि ऊपर रहता है, इसमें ऊपर होल भी किया होता है, जाली जैसा रहता है, जिसमें कि कचरा अंदर ना जाए और पानी अंदर चला जाए। और पानी अंदर जाने के बाद में जो पाइप में छोटे छोटे होल होते हैं उसमें से पानी बाहर भी निकलता रहे, जिससे कि हमारा अर्थिंग का वैल्यू एकदम बढ़िया आता रहे। तो ये हम लोगों ने पाइप अंदर डाल दिया है। यहाँ पर आज दो अर्थिंग करना है हम लोगों को। और ये जो बोरा देख रहे हो आप, इस बोरा के अंदर केमिकल भरा हुआ है जो कि हम लोग दूसरे रेलवे स्टेशन से भर के लाए हैं। तो आज हम लोग केमिकल अर्थिंग करने वाले हैं। ये पाइप देने के बाद में हम लोग केमिकल इसमें डाल रहे हैं और उसके बाद में केमिकल मिक्स करने के बाद में इसमें मिट्टी भी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद में पानी भी इसमें डालते रहेंगे, जिससे कि केमिकल और मिट्टी के साथ पानी का जो है बढ़िया सा बॉन्ड बन जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसमें केमिकल और मिट्टी भरेंगे और केमिकल भरने के बाद में इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। केमिकल जो है एक अर्थिंग में 25 किलो का बोरा आता है, तो 25 किलो हम लोग 20 से 25 किलो केमिकल एक अर्थिंग में डालेंगे और उसके बाद में इसमें मिट्टी भी डालेंगे। और मिट्टी डालने के बाद में इसमें टाइम हम लोग थोड़े थोड़े से पानी भी डालते रहेंगे, जिससे कि केमिकल और मिट्टी अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए और पानी डालने से हमारा अर्थिंग भी बढ़िया रहेगा। तो इसलिए हम लोग पानी भी डालेंगे। और ये देखिए दूसरा बोरा लाए हैं, उसको भी हम लोग इस अर्थिंग में डाल रहे हैं। दोस्तों अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी है ये तो आप लोगों को पहले ही पता है, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ने वाला हर एक बंदे को अर्थिंग का बेसिक्स तो पता ही होता है कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ अर्थिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो 10 से 12 फीट हम लोग गड्ढा करेंगे और उसके बाद में हम लोग जो गैल्वेनाइज्ड पाइप है उसको डाल देंगे। उसके बाद में केमिकल डालते रहेंगे और केमिकल के साथ साथ मिट्टी भी डालते रहेंगे, जिससे कि पूरा होल है वो केमिकल और मिट्टी से भर जाए। और इसमें पानी भी डालते रहेंगे। ये देखिए हमारा एक काका है, वो काका इसमें पानी भी डाल रहे हैं और केमिकल भी डाल रहे हैं और मिट्टी भी डाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अर्थिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए मिट्टी अभी पानी भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो ये पानी धीरे धीरे टाइम के साथ में अंदर चला जाएगा एक दो घंटे में, इसलिए हम लोग पानी भी डालते जा रहे हैं, जिससे कि पानी एकदम अंदर तक, गहराई के अंदर तक पानी जाए और केमिकल और मिट्टी के साथ में बढ़िया बॉन्ड बना ले। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग बारी बारी से केमिकल डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, इस तरीके से हम लोग अर्थिंग करते हैं। दोस्तों ये यहाँ का जो जगह है वो पत्थर वाली जगह है, तो इसलिए पानी जल्दी से अंदर नहीं जाता है गहराई तक, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, जिससे कि पानी धीरे धीरे टाइम के साथ में अंदर चला जाएगा और मिट्टी और केमिकल के साथ में बढ़िया बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि अर्थिंग का वैल्यू बढ़िया मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी का अर्थिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो और मैं आप सभी के कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोग किसी भी वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में मैं आप सभी के लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।